नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कीर्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा हमेशा कमेंट करते हैं कि कुछ ऐसा आप बताइए जो कि कम टाइम में भी कम पूंजी में भी हम बढ़िया इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग कर सकें। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने इसमें बताया है कि लो इन्वेस्टमेंट करके कैसे हम हाई प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कोई भी शादी हो अगर उसमें डीजे ना आए तो वो शादी अधूरी रह जाती है। तो आज की वीडियो में मैं यही फोकस करूंगा कि डीजे का बिजनेस कैसे करें और इस बिजनेस को पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा हर एक एक चीज़ के बारे में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि सामान आप कहाँ से ले सकते हैं, डीजे बिजनेस के लिए किस किस प्रकार के आपको इक्विपमेंट लेने होंगे, साउंड बॉक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें कितना प्राइस होगा, क्या प्रॉफिट होगा, कैसे हम इसको रन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस काम को स्टार्ट कैसे कैसे करें। तो आप जहाँ हैं वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। जिस भी गांव में अगर हैं, टाउन में हैं या बड़े सिटी में, कहीं भी हैं, ये काम सब जगह चलता है। यही तो इस बिज़नेस का खासियत है। स्पेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें 100 स्क्वायर फीट स्पेस काफ़ी होता है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बॉक्सेज ही आपको रखने होते हैं, वो आप घर पर भी रख सकते हैं। थर्ड हो गया, आपको स्टाफ हायर करना पड़ेगा। देखिए, एक आध दो कुछ स्टाफ होता है, मैं आगे बताऊंगा कौन कौन सा। वहीं आपको कुछ साउंड मशीन हो गया, मिक्सर हो गया, स्पीकर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी आपको खरीदनी होंगी, मैं आगे बताऊंगा। मंथली कॉस्ट क्या लगेगा, प्रॉफिट क्या लगेगा, लीगल रिक्वायरमेंट क्या होगा, तो इस पूरे वीडियो में यही मैं बात करूंगा। अब मैं बात करता हूं मैन पावर की। इस काम के लिए देखिए जनरली चार टाइप के लोगों का ज़रूरत होता है। सबसे पहले दो ऑपरेटर, एक ड्राइवर, एक हेल्पर। इसमें आप अपने लिए एक काम ढूंढ सकते हैं। तो इतने लोग आपको शुरू में आपको रखने पड़ेंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि मशीन और इक्विपमेंट क्या क्या हमें लेने पड़ेंगे। तो नंबर वन होता है इसमें डीजे मिक्सर, डीजे क्रॉस ओवर, डिस्को लाइट, डीजे मॉसफेट एम्पलीफायर, स्टेबलाइजर, जनरेटर, बेस बॉक्स, ट्रिबल एंड टॉप बॉक्स, बॉक्स स्टैंड, डीजे साउंड बॉक्स, पिक वैन। ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके डिटेल में आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीकर की। तो दोस्तों, स्पीकर डीजे के बिजनेस में तीन टाइप का स्पीकर का यूज होता है। सबसे पहला हो गया आपका बेस स्पीकर, जो कि बेसिकली चार लोग लगाते हैं, और उसमें चार में क्या क्या वेराइटी होती है। तो एक हो गया आपका 1000 वाट का दो स्पीकर और 750 वाट का दो स्पीकर, बेस स्पीकर में बेसिकली यही होता है। वहीं सेकेंड हो गया आपका ट्रेबल एंड टॉप बॉक्स, ये भी चार होते हैं, 500 वाट के चार बॉक्स इसमें लगे हुए होते हैं। वहीं थर्ड हो गया आपका ट्विटर स्पीकर, ये दो ही लगे हुए होते हैं और ये आपको 300 वाट का स्पीकर आपको लगाना होता है। दोस्तों, ये सारे स्पीकर अगर मैं बात करूं किन कंपनीज के अच्छे होते हैं, तो वो हो गया आपको पी ऑडियो, आहूजा, डीजे प्लस, यही जनरली मार्केट में बढ़िया काम करता है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ये सारा सामान कहां से खरीद सकते हैं, चीप और बेस्ट मार्केट कहां है इसके पूरे भारत में। चलिए मिक्सर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मिक्सर का काम होता है साउंड को मिक्स करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से साउंड बढ़िया निकलता है। और इसका कॉस्ट देखिए कितना आएगा, तो 5000 से 10000 के रेंज में ये जनरली स्टार्ट होता है। और इसका भी कंपनी कौन बेस्ट है, तो स्ट्रेंजर हो गया, आहूजा हो गया, ऑडियो मास्टर, डीजे प्लस, यही जनरली कंपनी जिसको बनाती हैं। अब हम बात करते हैं डीजे मॉसफेट एम्पलीफायर, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आवाज़ आपको बढ़ाना है, घटाना है, बेस में करना है, ट्रिबल में करना है, ये सारा काम इसी से होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि ये कितने वाट में आता है। तो ये जनरली 2000 वाट से लेकर 10000 वाट तक में आता है, और इसका जो प्राइस है वो 8000 जनरली शुरुआत होती है, और लगभग इतना में मिल भी जाता है। वही अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इसमें स्ट्रेंजर, ऑडियो मास्टर, आहूजा और डीजे प्लस बेस्ट कंपनी मानी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस ओवर। दोस्तों, क्रॉस ओवर से क्या होता है कि बेस जो है, बेस स्पीकर, उसका आवाज़ आप बढ़ाते या घटाते हैं। तो इसका प्राइस कितना पड़ता है आपको, ये भी 5000 से शुरुआत होकर 15000 तक में जाता है। ये भी किस कंपनीज में आते हैं, तो आहूजा, स्ट्रेंजर, ऑडियो मास्टर एट्सेट्रा। अब मैं बात करता हूँ डिस्को लाइट, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है। अगर डिस्को लाइट आपका बढ़िया नहीं रहा तो बात ही नहीं बनना है, क्योंकि डीजे में तो डिस्को लाइट का ही मज़ा है असली, साउंड के बाद। तो डिस्को लाइट भी इसमें दो टाइप के लगे होते हैं, एक आपका डिस्को लाइट हो गया और सेकेंड हो गया आपका लेज़र लाइट। ये दोनों ही स्ट्रेंजर कंपनी का आता है, बढ़िया होता है, और इसका जनरली प्राइस आपको 2000, 2500, 3000 के आसपास में आपको मिलता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है जनरेटर। जनरेटर तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो जनरेटर की जनरली तीन कंपनियाँ मार्केट में फेमस हैं। सबसे पहला हो गया होंडा, सेकेंड हो गया महिंद्रा, थर्ड हो गया आयशर।
और इसका जो दाम है वो 50,000 से 1.5 लाख तक के बीच में जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको कितने वाट का ज़रूरत है और उसी हिसाब से आप इसको परचेज करें। अब इसमें नेक्स्ट हमारा आता है जनरेटर के बाद स्टेबलाइजर, क्योंकि देखिए जनरेटर में हमेशा पावर बढ़ते घटते रहता है, और अगर आप डायरेक्ट जनरेटर से अपने साउंड को आप चलाएंगे तो आपका ज़्यादा चांसेस है कि वो जल जाएगा आपका मशीन, तो इसीलिए उसमें स्टेबलाइजर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्टेबलाइजर का काम ही यही है, वो पावर को स्टेबल करता है और घटने बढ़ने से रोककर एक समान विद्युत प्रदान करता है। दोस्तों इसका जो दाम है 10,000 से शुरू होता है, 15,000 तक जाता है जनरली। और इसमें अच्छी कंपनी कौन है, तो आज के डेट में सर्वोकॉन भी चल रहा है मार्केट में, स्टूडियो मार्केट भी चल स्टूडियो मास्टर भी चल रहा है, तो आपको जो दोनों में से जो बढ़िया लगे आप उसको परचेज कर सकते हैं। डीजे बिजनेस को स्टार्ट करने में अगर कॉस्टिंग की मैं बात करूँ तो जनरली इसमें 2 लाख से 4 लाख के आसपास में लगता है, और ये सारा डिपेंड करता है आप किस प्रकार का मशीन खरीद रहे हैं, क्या बढ़िया क्वालिटी का ले रहे हैं, महंगा ले रहे हैं, सस्ता वाला ले रहे हैं, ये उसी पर डिपेंड करता है इस बिज़नेस का ओवरऑल कॉस्ट। सेकेंड हो गया अब इसमें कि मशीन हम कहाँ से लें, यही बात मैंने आपको बोला था वीडियो के शुरू में। देखिए ये सारा मशीन आप ना किसी भी लोकल मार्केट से ना लें, ज़्यादा बेहतर होगा, चूँकि ये कॉस्टली आइटम है, तो आपको इसके लिए हमेशा होलसेल मार्केट में जाना चाहिए। वैसे मैंने अपने छोटे मोटे रिसर्च से पता किया है तो कोलकाता का जो मार्केट है चांदनी मार्केट, वो वहाँ का सबसे बड़ा होलसेलर मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, तो वहाँ पे जनरली बढ़िया सामान भी मिलता है, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सही एक ऑप्शन हो सकता है। बाद बाकी आप देख लें, हो सकता है आपके सिटी में भी अच्छे होलसेलर होंगे। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों डीजे का बिज़नेस हो और आपके पास पिकअप गाड़ी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक अच्छी बात ये मैं आपको बता दूं कि पिकअप गाड़ी आपको खरीदने का ज़रूरत भी नहीं है। जैसे ही आपके पास डीजे का आप सारा सामान लेकर आओगे ना, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे जिनके पिकअप गाड़ियां हैं वो लोग आपके साथ टाई अप कर लेते हैं, और एक बार भाड़ा ले आने ले जाने का वो लोग जनरली 500-1,000 रुपये के आसपास में वो लोग लेता है। ये डिपेंड करता है कि कितना दूरी पर आप जा रहे हो आ रहे हो, कितना दूरी पर आपको जाना आना है। वहीं एक इसमें अच्छी बात ये भी है कि इस बिज़नेस में इसमें अच्छी बात यह भी है कि जिस भी जगह पर आप जाएंगे तो वो पार्टी से आप आराम से चार्ज वसूल करते हैं। मार्केट में यही ट्रेंड ही है, आपको सीधा बोलना है कि आने और ले जाने में से एक तरफ का भाड़ा हमारा, एक तरफ का आपका, ऐसा करके जनरली लोग डील करते हैं। कई बार तो क्लाइंट दोनों साइड का भी दे देता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका समझ लो कि गाड़ी का बहुत ज़्यादा पैसा उतना नहीं लगना है, तो गाड़ी खरीदने का आप जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि इस बिज़नेस में प्रॉफिट क्या होगा। देखिए सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि सालों भर कुछ ना कुछ हमारे यहाँ प्रोग्राम फंक्शन चलते ही रहते हैं। जैसे अगर छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, तो इसके लिए जनरली 4 से 5 हज़ार का बुकिंग मिलता है। वहीं अगर शादियों में बड़े बड़े बुकिंग अगर आप करते हो, मिनिमम बुकिंग भी अगर आप कर रहे हो ना शादी में, तो आपको 12,000 से वो स्टार्ट होता है और 20,000 तक के रेंज में जाता है। ये टोटल डिपेंड करता है कि पार्टी कैसी है और आप क्या क्या मशीन उसके यहाँ यूज़ करोगे। शादी विवाह त्यौहार इत्यादि सीजन में डीजे की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, साथ ही ऐसे समय में कोई भी डीजे बिजनेस करने वाला खाली हाथ नहीं रहता, यही इस बिज़नेस का सबसे बड़ा खासियत है। अब आपको बहुत ही अच्छा ये जान के लगेगा कि एक मंथ में जनरल जो लोग बुकिंग करते हैं वो मिनिमम 12-15 तक लोग कर लेते हैं। अगर आपका बहुत बढ़िया पहुँच रहा तो आप 20 भी निपटा सकते हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग करते हैं, मिनिमम तो आप 15 तो कर ही सकते हो। तभी आप अगर मान लो एवरेज कि आपने शादी के एक सीजन में, एक मंथ में अगर आपने 15 बुकिंग की और एक बुकिंग का आप 15,000 रुपया ले रहे हो, तो आप एक मंथ में 2.25 लाख रुपया आप अर्न कर सकते हैं। आप समझिए कितना शानदार काम है ये। एक मंथ का मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा हम लोग के यहाँ जनरली 3 मंथ का शादी का सीजन चलता है, 3 मंथ 4 मंथ का, तो आप उस हिसाब से आप एवरेज आप लगा लीजिए कितना बढ़िया रहेगा। वहीं छोटे मोटे बुकिंग तो चलते ही रहेंगे। वहीं इसमें एक अच्छी बात और भी है कि जब आपका शादी का सीजन ऑफ हो गया तो उस केस में क्या होता है कि जनरली ये जितने भी साउंड वाले होते हैं, डीजे साउंड वाले, ये साउंड बॉक्स को भाड़ा पर देते हैं, छोटा मोटा कहीं कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो आप भाड़ा पर देकर भी आप कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो आप साल में आराम से 5 लाख 6 लाख रुपया आप अर्निंग कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात इस बिज़नेस के लिए नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों
अगर आप नए चैनल पे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिए, और मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए सत्यम कीर्ति चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।